दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारा फैन का रेगुलेटर होता है वह कैसे काम करता है, कैसे वह पंखे की स्पीड को स्लो कर देता है और तेज कर देता है। देखिए, एक्चुअली में यह जो रेगुलेटर होता है या पंखे का जो वाइंडिंग होता है उसके सीरीज में पड़ा हुआ होता है, ठीक है। कैसे, ये देखिए, जैसे कि हमारा ये फैन है, ठीक है, ये पंखे की हमारी वाइंडिंग हो गई। यह रेगुलेटर जो होता है इसके दो तार होते हैं, ये एक तार और ये दूसरा तार। तो पहला वाला तार जो होता है वो यहाँ पे कनेक्ट होता है और दूसरा वाला तार निकल करके इसमें हम स्विच के माध्यम से फेस दे देते हैं, ठीक है। और ये वाला जो होता है ये न्यूट्रल को चला जाता है। तो जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो फिर बीच में सीरीज में हमारा रेगुलेटर पड़ा हुआ होता है। अब इस रेगुलेटर को जैसे ही जैसे हम घुमाते जाएंगे वैसे वैसे पंखे की जो स्पीड है वो बढ़ती चली जाती है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे यह वर्क करता है, कैसे वह स्पीड को बढ़ा देता है और घटा देता है। देखिए, उसके लिए हमें एक मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगी। तो ये मैंने, मेरे पास एक मल्टीमीटर है, ये देखिए, ये एक मल्टीमीटर है। इस मल्टीमीटर की मदद से हम चेक करेंगे। देखिए, मैंने इसकी जो रेंज है वह मैंने 2 मेगा ओम पे लगा रखा है। तो देखिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस पंखे के रेगुलेटर के ये जो दोनों तार हैं, इन दोनों तारों को मल्टीमीटर के इन दोनों तारों के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने जोड़ दिया इन दोनों तारों को, मैंने एक तार को ये जोड़ दिया और एक तार को मैंने ये जोड़ दिया, ठीक है। ये देखिए, मैंने इन दोनों तारों को इस तरह से मैंने जोड़ दिया। अब देखिए, जैसे जैसे हम पंखे का जो रेगुलेटर है, अभी देखिए 0 पे है, ये देखो आप एकदम टच कर रहा था, ठीक है। अब देखिए, चूंकि ऑफ की पोजीशन पे हमारा अभी रेगुलेटर है तो उस कंडीशन पे जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटिव दिखा रहा है, ठीक है। जैसे ही हम एक नंबर पे करेंगे तो देखिए कितना रेजिस्टेंस का अंतर आ जाता है, ये देखिए। अब हमने एक नंबर पे कर दिया तो देखिए जो रेजिस्टेंस कितना बीच सर्किट में आ रहा है। अब जब ऑफ पे था तो जो रेजिस्टेंस था वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस था कि बिजली को बिल्कुल भी जाने नहीं दे रहा था, सप्लाई को बिल्कुल भी पंखे तक नहीं जाने दे रहा था। और जैसे ही हमने एक नंबर पे किया तो कुछ कंटिन्यूटी इसने बनाई, तो कंटिन्यूटी बनाने की वजह से जो रेजिस्टेंस बीच में वो डाल रहा है कितना, 327 ओम का रेजिस्टेंस ये डाल रहा है। मतलब ये हुआ कि जो हमारा सप्लाई है वह 327 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू होता हुआ ही पंखे की वाइंडिंग में पहुंचेगा जो वोल्टेज है। उसके बाद हम दो नंबर पे करते हैं तो देखिए क्या होगा कि 164, देखिए रेजिस्टेंस और कम हो गया। मतलब यह हुआ कि जो सप्लाई है वह अब 164 ओम के रेजिस्टेंस को पार करके वहां पर पहुंचेगा। मतलब यह हुआ कि जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 164 ओम के रेजिस्टेंस की वजह से जितना कम वोल्टेज ड्रॉप होगा। हम जब तीन नंबर पे करेंगे तो देखिए 160 के आसपास, ये दोनों में लगभग स्पीड लगभग सेम ही रहती है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता रेजिस्टेंस में, कुछ बहुत अंतर रेजिस्टेंस में आता है। और जैसे ही हम चार पे करेंगे देखिए रेजिस्टेंस जो है और गिर करके 109 ओम हो गया है, ठीक है। और जब पांच पे हम कर देंगे तो पूरी तरह से बाईपास कर देता है रेगुलेटर जो है वह बाईपास हो जाता है और पूरी की पूरी जितनी वोल्टेज आ रही है वह पूरी की पूरी वोल्टेज पंखे के उसमें बाइंडिंग में पहुंच जाएगी। मतलब यह हुआ कि जो रेगुलेटर होता है वह पंखे के बाइंडिंग के सीरीज में पड़ा हुआ होता है और वह वोल्टेज को ड्रॉप करा देता है। तो जब वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो पंखे में जो वोल्टेज है वह कम से कम पहुंचेगा, जिसकी वजह से पंखा हमारा स्लो हो जाता है। और जैसे ही हम पंखे के रेगुलेटर को हम ऑफ कर देते हैं, ठीक है, तो वह पंखे को पूरी तरह से बंद कर देता है क्योंकि रेजिस्टेंस, अनंत रेजिस्टेंस उसके बीच में डाल देता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम एक नंबर पे करते हैं रेजिस्टेंस, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस उस वक्त पंखा चलने की कंडीशन पे एक नंबर पे ही होता है जो कि 327 ओम का है। जब हम दो नंबर पे सेलेक्ट करते हैं तो देखिए 327 से घट करके हमारा 164 ओम हो जाता है रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद तीन नंबर पे भी कुछ रेजिस्टेंस रहता है। उसके बाद चार नंबर पे देखिए रेजिस्टेंस काफ़ी कम हो जाता है, इसकी वजह से जो वोल्टेज है वो बढ़ जाएगा, तो इसलिए पंखा हमारा तेज चलने लगता है। और जैसे ही हम पांच नंबर पे करेंगे तो रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं रहेगा, इस वजह से पंखा जितनी वोल्टेज आ रही है
पूरा का पूरा वोल्टेज पंखे को मिल जाएगा और पंखा पूरी स्पीड के साथ चलने लगता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी कि रेगुलेटर कैसे काम करता है, किस कैसा उसका फंक्शन होता है। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर कहीं इंटरव्यू वगैरह में भी उनको पूछा जाता है कि पंखा का जो रेगुलेटर होता है वह कैसे वोल्ट स्पीड को कम ज़्यादा करता है, तो वो इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ, वो बता पाएँ वहाँ पर, जिससे वहाँ पर उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आसानी से वो कहीं पर भी सिलेक्शन ले पाएँ। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।